फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हम लोग लौट चुके हैं सोनपुर मेला से और अभी बज रहे हैं रात के 12 और 12 बजे मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि कल जा रहे हैं गुजरात। सुबह 11 बजे की फ्लाइट है इनकी और वो क्यों जा रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। गुजरात की सरकार ने बुलाया है गुजरात को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इंडिया के जगह जगह से यूट्यूबर्स जा रहे हैं गुजरात को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बिहार पटना से जो सिलेक्ट किया गया यूट्यूबर वो है मटर गश्ती। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है और साथ ही बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है मुझे, क्योंकि जो इनका टूर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। इनफैक्ट एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, पर कोई नहीं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी बात है ये। आप जाएँ और मैं बोलना चाहूँगी इनको ऑल द बेस्ट, जाइए अच्छे से अपना काम करिए और आप सब लोग भी इनको ऑल द बेस्ट बोल दीजिए अच्छी तरह से। और सोनपुर मेला से लौटने के बाद हम लोग एडिटिंग में लगे हैं। अभी मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ एडिटिंग, लेकिन इन्होंने अपना एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है। मुझे मेरा ब्लॉग आने में एक दिन बाद आएगा मेरा ब्लॉग, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनकी पैकिंग वैकिंग में लगी रही थी तो सब कुछ हड़बड़ दरबड़ में हो गया, अचानक से हो गया। अभी मैं सुबह मिलती हूँ आप लोग से, क्योंकि जो भी काम है फटाफट से उसको पहले निपटा लेते हैं। सकते हैं यहाँ पे सारे कैटलॉग है गुजरात के, जहाँ पे इन लोगों को जाना है एक्सप्लोर करने के लिए। आई थिंक बहुत ही अच्छी जगह है भाई। बस हो गया पैकिंग वैकिंग हो गया और हालत खराब हो गई। शरद ने बहुत मदद किया पैकिंग में। अब पिछले 2-3 दिनों से बस मैं यही पढ़ रहा हूँ गुजरात, गुजरात में क्या है, वहाँ पे जाने पर हमें क्या मिलेगा। एक्चुअल में गुजरात में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से हमें इन्वाइट करा गया है, पूरे कंट्री से ब्लॉगर्स आ रहे हैं और बिहार से हमको चूज किया गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वाह वाह, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट। सीरियसली अभी सो जाते हैं क्योंकि सुबह फ्लाइट है मेरी और मैं बहुत थका हुआ हूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी देखिए इनकी जाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, विदाई का समय आ चुका है, बस जाने वाला निकलने वाला था। हम चाय पी रहे थे यहाँ पे, तो मैं इनको यही बोलना चाहूंगी, आप जो भी काम के लिए जा रहे हो बहुत अच्छे से उसको करना, बिल्कुल, और अपना ख्याल रखना सबसे जरूरी चीज, ठीक है? जरूर जरूर, अभी निकल रहे हैं। रेडी टू गो, रेडी टू गो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। पीछे अम्मी, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ चुका है मीसू का पार्सल, तो मैंने इसको अपनी किचन के लिए ऑर्डर कर लिया। अभी इसको अनबॉक्स करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है। ये रहा इसका स्टैंड, बहुत ही प्यारा लगा मुझे, छोटा है। अब इसको आप कहीं पे भी आराम से यहाँ पे किचन के साइड में एडजस्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे इसको गैस के पास ही रखूंगी, इसको हैंग नहीं करने वाली हूँ, तो यहाँ पे ये एकदम ठीक लग रहा है। अभी इस पे देखते हैं रख के, यहाँ पे ऐसे आपका तवा आ जाएगा। अगला मेरा बहुत भारी है, बहुत, और यहाँ पे रख लेंगे चकला इस तरह से, और उसके बाद बेलन को रखेंगे और यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से बेलन। है ना कमाल का एकदम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मीशो का ये प्रोडक्ट। का चिमटा होता है ना रोटी बनाने वाला, जो लोग गैस पे फुलाते हैं वो जो चिमटा होता है उसको हम लोग रख लेंगे इस साइड इस तरह से, तो आ गया ना आपका रोटी बनाने वाला जितना भी सामान है। यहाँ पे बच्चे बाहर में बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, शायद आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई ना दे। तो सारा जो आपका रोटी बनाने वाला सामान है, तवा, चकला, बेलन एंड चिमटा, वो सब इसमें बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा खास करके इसका प्राइस भी बहुत अच्छा था, तो मैंने झट से अपनी किचन के लिए ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया।
भी कर सकते हो बॉल में, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इसी तरह से रखना ज्यादा प्रिफेयर करूंगी क्योंकि मुझे हैंग नहीं करना। और इसका साइज काफी ज्यादा छोटा है, ना बड़ा ना छोटा, जो कि बिल्कुल खराब भी नहीं लग रहा है, आपके किचन में बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी किचन को एक बहुत अच्छा लुक देता है इस टाइप का, इस तरह की चीजें। तो इसी तरह से चल रही है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शॉपिंग। तो अभी ये मंगाया, अभी एक और ऑर्डर हम लोगों ने किया है, वो जब आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसा कि वो गुजरात के निकल चुके हैं, तो अभी तो बेंगलुरु में है, लेकिन 4:30 बजे उनकी फ्लाइट है गुजरात के लिए। तो आज घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सन्नाटा सा लग रहा है। चलो कोई नहीं, वो जिस काम के लिए भी गए हैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी उनको, अच्छे से अपना काम करके आए एंड मेक बिहार प्राउड, मैं यही कहना चाहूंगी उनको। लेकिन मिलते हैं आपसे बाद में। अभी घर काफी खाली खाली सा लग रहा है एकदम, और वहां पे दो मसलन आप देख सकते हैं, इसका कवर अभी हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। तो अभी देखते हैं लगा के कि साइज सही है कि नहीं। ये है वो मसलन का कवर, सॉरी मसलन का कवर, बहुत ही सिंपल में है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा, इसको अभी लगाती हूँ। और वहाँ पे आप देख सकते हैं एक और पार्सल वहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि कल मैं बता रही थी ना कि एक और पार्सल आने वाला है, तो वो कल ही आ गया था लेकिन मैंने अनबॉक्स नहीं किया था, मैं अभी करूँगी अनबॉक्स। यहाँ पे है वो दूसरा पार्सल, देखते हैं अभी इसके अंदर क्या है जो हमने ऑर्डर किया था। इसकी पैकिंग तो बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी तरह से पैकिंग की गई है। और यहाँ पे ये सारे स्ट्रेस के स्क्रू वगैरह है, इसको देख के आई थी आप लोग कुछ कुछ समझ रहे होंगे। अभी आप लोग देख के समझ ही गए होंगे ना कि ये क्या है, इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी पैकिंग है एकदम, मेरी हालत खराब हो गई खुलने में। कुछ लोग देख के समझ ही गए होंगे कि क्या है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको बता, ये है कॉर्नर शेल्फ जिसको वो अपने स्टूडियो में लगाने वाले हैं। तो इसको मैं अभी इसी तरह से पैक ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि खोल के कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो लगाने वाली हूँ नहीं, वो आएंगे तो वही लगाएंगे। तो अभी मैं इसको इसी तरह से बॉक्स में डाल दूंगी, और अभी मैं जा रही हूँ उनका ब्लॉग देखने, उनका ब्लॉग अभी आया शाम को, आज शाम को ब्लॉग आया उनका, तो मैं कल से वेट कर रही थी उनके ब्लॉग का। कल तो कुछ शायद एडिटिंग कर रहे थे, हाँ, रात 2 बजे तक, उसके बाद वो सुबह में पब्लिश नहीं कर पाए थे, तो अभी शाम को किए। तो मैं अभी जा रही हूँ देखने के लिए, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।